तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सोनी के 2024 तक का पूरा कच्चा चिट्ठा कि उसकी कितनी मूवीज आने वाली है, और जो मेन हम इसमें बात करेंगे वो स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में, क्योंकि जो खबरें निकल के आ रही हैं कि उसमें 6 डिफरेंट स्पाइडर वर्स दिखाए जाएंगे प्लस 240 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स, और उसके ऊपर इतने सारे एनिमेटर्स उसको एनिमेट करने में लगे हैं। वो मूवी एक साल डिले जरूर हुई है लेकिन पूरा वर्स देगी आप जब उसको आप देखेंगे, एकदम बहुत मज़ा आने वाला है आपको देख के। तो देखो यार, सोनी को ना अपनी औकात पता है, उसे पता है उसकी लिमिटेशन कहाँ तक है, और जिस बंदे को उसकी लिमिटेशंस पता होती हैं वो फिर भी अपना काम करता है, उसका काम जो है लाजवाब होता है। सोनी ने काफ़ी सारी चीज़ें अनाउंस करी हैं ये अभी जो सिनेमाकॉन 2022 हुआ था। तो सबसे पहली हम अगर बात करें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स के बारे में, तो यार ये मूवी ना एक साल और लेट रिलीज़ होगी, मतलब अब ये जून 2023 में रिलीज़ होगी। लेकिन जो इसके प्रोड्यूसर है वो खुद स्टेज पे आके उन्होंने बताया था कि आपको इसमें 240 से ज़्यादा कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, और पहली फिल्म में बस हमें 40 कैरेक्टर देखने को मिले थे। तो आप समझिए कितना बड़ा डिफरेंस है, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे प्लस इसमें 6 डिफरेंट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन और उनके कैरेक्टर्स होंगे, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसके बाद हमें इसी मूवी की शुरुआत के 15 मिनट की फुटेज दिखाई गई, जिसको मैंने एकदम बहुत अच्छे से अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, नीचे आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना तो मैं आपको जल्दी से एक छोटे आसान शब्दों में इसको बता देता हूँ। तो मूवी की शुरुआत होती है अर्थ 65 से, जो कि अपने स्पाइडर ग्वेन वाला यूनिवर्स है। उसके बाद वहाँ पे उसके अपने पापा से एक कॉम्प्लिकेटेड सी बात हो रही होती है, देन उसकी वल्चर से हमें फाइट दिखाई जाती है जहाँ पे स्पाइडरमैन 2029 और स्पाइडर वुमन एक पोर्टल के थ्रू आते हैं वहाँ पे और स्पाइडर ग्वेन की मदद करते हैं। उसके बाद वो अपने स्पाइडर ग्वेन को बताते हैं कि ये सब चीज़ें हो किस वजह से रही हैं, जो पिछली मूवी में तुम्हारी जो किंग पिन के साथ फाइट वगैरह हुई थी उसकी वजह से मल्टीवर्स में छेद टाइप का हो गया है, और मेरे पास एक डिवाइस है जिससे मैं इस पोर्टल को अपने हिसाब से कंट्रोल करके कहीं भी किसी भी यूनिवर्स में जा सकता हूँ। और हो अभी ये रहा है कि विलन्स ना कहीं भी आ जा सकते हैं, तो एक खतरा बना हुआ है और हमें इसे सॉल्व करना होगा। उसके बाद वो ग्वेन स्टेसी को वहाँ से लेके जाते हैं, फिर हमें ब्रुकलिन का सीन दिखाया जाता है माइल्स मोरेल्स वाला, जिसमें अपने स्कूल के लेट हो रहा होता है, देन वो वहाँ पहुंचता है तो उसे पता चलता है उसके जो टीचर है उसकी मम्मी से उसकी शिकायत कर रहे हैं, और इस इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद ही उसे अपने स्पाइडर सेंस की वजह से उसे टिंगल होता है, जिसके बाद वो बाहर भागते हुए जाता है और ये फुटेज यहीं पे ख़त्म होती है। हमें बताया जाता है कि इसका जो पार्ट 3 है उस मूवी का जो नाम होगा वो स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स होगा, मतलब अब ये मल्टीवर्स से ऊपर उठ के हमें कुछ दिखाएंगे। मैंने एक वीडियो इस पर पहले ही बना चुका हूँ कि क्या होगा जब अपना माइल्स मोरेल्स लाइव एक्शन वाले यूनिवर्स में आके टॉम हॉलैंड से मिलेगा, वही कॉन्सेप्ट ये लोग आगे अपनाने वाले हैं। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, वो जाके देखे। और यार ये मैं ना हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने अक्रॉस द स्पाइडर वर्स का ट्रेलर देखा है तो आपको पता होगा कि हर यूनिवर्स के लिए वो अलग आर्ट स्टाइल यूज़ कर रहे हैं, प्लस अगर आपने मल्टीवर्स का ट्रेलर देखा होगा तो आपने उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज को एनिमेट होते हुए देखा होगा, और अगर वो एनिमेट हो सकता है तो अपना पीटर पार्कर या माइल्स मोरेल्स भी लाइव एक्शन में आ सकता है यार। प्लस ये पूरे फुटेज को मैंने एक अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में, वो भी आप देख सकते हैं। अब यार यहाँ जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें 6 डिफरेंट यूनिवर्स दिखाए जाएंगे, तो मतलब हमें 6 कौन कौन से स्पाइडरमैन इसमें दिखाए जाएंगे। तो इस फुटेज ने तो पहले 3 स्पाइडरमैन को कंफर्म कर दिया है, अपना माइल्स मोरेल्स प्लस स्पाइडरमैन 2029 प्लस ग्वेन स्टेसी और एक और स्पाइडर वुमन, ये 4 कंफर्म हो चुके हैं, और जो पांचवा अपना होगा वो होगा पीटर बी पार्कर, जो कि हमें पिछली मूवी में दिखाया था, और वो यार होना ही चाहिए क्योंकि उसे बहुत पिछली मूवी में बहुत पसंद किया गया था। एक अपना आपने देखा होगा इसके ट्रेलर में, कहीं कहीं पे इसको इंडिया का सीन दिखाया था और हिंदी लैंग्वेज का भी यूज किया गया था, तो हम कह सकते हैं कि इसमें शायद हमें पवित्र प्रभाकर देखने को मिल सकता है, जो कि स्पाइडरमैन का इंडियन वर्जन है। तो ये पूरे 6 हो गए, इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा दिख सकता है क्योंकि उन्होंने 6 अलग यूनिवर्स बोले थे माइल्स वाले को हटा के, तो वो एक कौन सा होगा वो आप नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। और यार इस मूवी को बनाने में 1000 से ज़्यादा एनिमेटर्स लगे हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है किसी एनिमेशन पे इतने एनिमेटर्स का काम करने का, तो मूवी गजब की होने वाली है। जितना वेट करना है कर लो, क्योंकि यार क्वांटिटी क्वालिटी से ज़्यादा अच्छी नहीं होती कभी भी, क्वालिटी के लिए वेट करना पड़ता है तभी आपको एक अच्छी मूवी मिलती है। और इसके अलावा जिसमें क्रेवन द हंटर पे जो बात चल रही थी आएगी या नहीं आएगी, उसको कन्फर्म कर दिया गया है कि वो आपको अर्ली 2023 में आपको देखने को मिल जाएगी।
इसके अलावा वेनम 3 को भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है कि 2022 के एंड में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम अंदाज़ा लगाए कि इसकी पहली फिल्म 2018 में आई थी, देन 2021, तो इसकी तीसरी फिल्म 2024 में आएगी। इसमें सोचने वाली बात होगी कि इसकी और कास्ट में होगा क्या। आप पहले ही वेनम की दो सोलो मूवी दिखा चुके हैं जिसमें से पहली वाली अच्छी थी और दूसरी वाली की स्टोरी कुछ खास नहीं थी, बट दोनों ही अच्छा परफॉर्म करी थी बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन कब तक आप वेनम को ऐसा अकेले दिखाते रहोगे? उसके सामने आपको स्पाइडरमैन देना पड़ेगा, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको और पैसा कमाना है। तो कौन सा स्पाइडरमैन होगा ये देखने की बात होगी, क्योंकि एंड्रयू गारफील्ड ने मना कर दिया कि वो स्पाइडरमैन प्ले करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने पहले भी मना किया था नो वे होम के लिए भी, तो वो देखा जाएगा। मैडम वेब की जो एक वेब सीरीज या लाइव एक्शन आप जो भी कहेंगे उसे, वो हमें 2023 की गर्मियों में देखने को मिल जाएगा। और एक सबसे अलग बात जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, तो देखो यार, सोनी को पता है उसके पास स्पाइडरमैन की राइट्स है, तो उसे जो भी करना है ना, अपना पैसा कमाना है, वो स्पाइडरमैन को ही लेके करना है। तो उसके सारे कैरेक्टर्स का एकदम अच्छे से इस्तेमाल करना चाहता है, एकदम पूरा निकाल लेना चाहता है उनमें से जितना निकले। तो उसने विलन्स का अपना यूनिवर्स वो बना रहा है, सिनिस्टर सिक्स उसे बनाना है, वेनम को वो हीरो की तरह दिखा रहा है ताकि बाद में जब उसे देखें हम स्पाइडरमैन के सामने, तो आप कंफ्यूज हो जाए कि किस साइड आपको लेनी है, एक सिविल वॉर टाइप का आपको मिले। इसी तरीके से वो एल म्यूरेटो एक जो कैरेक्टर है जो कि विलन है एक तरीके का स्पाइडरमैन का, उस पर भी एक लाइव एक्शन मूवी ला रहा है जो कि 2024 तक हमें देखने को मिलेगी। इसको प्ले कर रहे हैं बैड बनी जो कि रेसलर और रैपर दोनों ही है। तो ये एक टोटल एकदम समरी थी कि जो जो हुआ अभी सिनेमा कॉन में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो आपको काफ़ी कुछ पता भी चला होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक का भी बटन है, ये सारे बटन यूट्यूब्स ने दे रखे हैं, इन सबका इस्तेमाल करिए। तो चलिए, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।